हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। फर्स्ट सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, उसके अंदर नोटिफिकेशन जो आएगा आपको ऑल करके दबाना है ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सके। टाइगर आर अम्ब्रेलास, हमको स्टेटमेंट पढ़ना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सम टाइगर्स आर अम्ब्रेलास, मैं यहाँ पे ड्रॉ, सम टाइगर आर अम्ब्रेलास हम पढ़ेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो टाइगर है यहाँ पे, सम का रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, तो सम टाइगर आर अम्ब्रेलास ऐसे हो जाएगा, राइट? सम टाइगर अम्ब्रेलास, ये स्टेटमेंट हो गया। सम अम्ब्रेलास आर स्टॉक्स, तो अम्ब्रेला की बात की गई है, तो सम अम्ब्रेलास आर स्टॉक्स, ओके। फिर सम पेंस आर टाइगर, टाइगर यहाँ पर है हमारा, तो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग पेंस को। उसके बाद ऑल स्टॉक्स आर कैट्स, ये स्टॉक है, ऑल की बात की गई है, ऑल यानी कि ऐसे पूरा आ गया। क्लियर, डायग्राम समझा? ओके, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम अम्ब्रेलास आर पेंस, अब ये सिंपल वाला है, देखो सम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का कुछ पार्ट पेन में है। सम का रिलेशन कब आएगा? जब दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से मिलेगी तब कुछ सम का रिलेशन आएगा ना। अम्ब्रेला यहाँ पे है, इसकी बाउंड्री यहाँ पर है, पेन यहाँ पे है, इसकी बाउंड्री यहाँ पर है, तो टच हो रही है बाउंड्री, कुछ पार्ट उसका आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो सिंपल ये हमारा गलत हो जाएगा। सम क्या, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे कल लेने थे, मतलब बेसिक पासून तुम्हें गेला सना तो तुमको क्लियर हो जाता, लेकिन कल क्वेश्चन नहीं लेके आई तो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल हो गया। चलो ठीक है। सम कैट्स आर अम्ब्रेलास, कैट यहाँ पर है, अम्ब्रेला है यहाँ पे, देखो सम का पार्ट है यहाँ पे, हो गया। सम स्टॉक्स आर पेन्स, स्टॉक यहाँ पर है, पेन यहाँ पे है, नहीं आएगा, वेरी गुड। देखो कितना ईजी है, मतलब यहाँ से जाने का था, समझा नहीं आपको, एकदम ईजी था। चलो इसका डायग्राम ये बन गया। अभी नेक्स्ट, सम नोटबुक्स आर टॉप्स, नोटबुक सम का रिलेशन है, टॉप्स यहाँ पे आ गया। फिर ऑल कैश आर नोटबुक, ओके, देखो ऑल कैश की बात की, यानी कि कैश का सर्कल जो होगा छोटा होगा ना, ऑल कैश नोटबुक, कैश अंदर आएगा फिर नोटबुक बाहर आना चाहिए, ऐसा आएगा ना, ऑल कैश नोटबुक, ओके। तो अब नोटबुक हमने बना लिया है, तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर ऐसे एक छोटा सा यहाँ पे कैश बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो जल्दी पूछ लेना तभी। फिर उसके बाद ऑल टॉप्स आर बुक्स, टॉप यहाँ पर है, ऑल टॉप्स आर बुक्स, तो बुक्स यहाँ आ जाएगा। ऑल टॉप की बात की गई है, जब ऑल, ऑल के बाद जो यहाँ पे वर्ड होगा उसको हम लोग अंदर ढकेलेंगे, ठीक है, मतलब एक क्लू। हाँ नहीं 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 बेटा, देखो जब यहाँ पे नोटबुक अगर बनेगा ना, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऑल नोटबुक आर कैश बनेगा, अगर ये डायग्राम ड्रॉ किया है। हाँ, इसका स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि ऑल नोटबुक आर कैश, क्योंकि नोटबुक छोटा पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला कि ऑल कैश आर नोटबुक, यानी कि पूरा कैश का पार्ट जो आएगा वो अंदर आएगा। तो यही बोल रही हूँ कि मैं, अगर क्लू, अगर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ भी समझने में, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ऑल के बाद जो भी वर्ड आएगा वो छोटे सर्कल में आएगा। और यहाँ पे देखो ऑल के बाद कैश आया, कैश छोटे सर्कल में आया, नोटबुक क्या आएगा बड़े सर्कल में आया, ऑल के बाद टॉप आया, टॉप छोटे सर्कल में आया, बुक्स क्या आएगा बड़े सर्कल में आएगा। मतलब सिंपल वे में अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे रोकना लगा चाहे चला ड्रॉ करो, तो ये तरीका लगा सकते हो। उसके बाद ऑल बुक्स आर रोड्स, बुक्स यहाँ पर है, फिर से बुक यहाँ पे है, ऑल के बाद है, यानी कि बुक को अंदर ढकेलेंगे, यानी कि ऑल बुक्स, ये अंदर ढकेलने वाला तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, वेरी गुड। उसके बाद देखो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब देखो ऑल रोड्स आर नोटबुक, क्या ऑल रोड नोटबुक है? देखो अगर नहीं समझ, यहाँ पे देखो बेटा, हाँ तिहा, लेकिन यहाँ पे ऑल पूछा गया है, जब सम बोलेगा ना, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट बनेंगे, अगर सम का बोला जाएगा, अगर आपको स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर सम का दिया है, स्टेटमेंट में बोला है कि सम का रिलेशन है, यानी कि कुछ का रिलेशन है, लेकिन अगर आपको कंक्लूजन में ऑल पूछा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा बेटा। मैंने क्या बोला था, देखो पूरी फैमिली बात कर रही है, आपकी पूरी फैमिली उनसे, उनकी फैमिली से बात कर रही है, इसका मतलब कि उसके कुछ मेंबर भी बात करेंगे ना, जब ऑल कर रही है तो ऑल में आप भी तो इंक्लूड हो ना, ठीक है। लेकिन अगर सम है, यानी कि खाली आप बात कर रहे हो, सम इन द सेंस केवल अगर आप बात करो अपने फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स भी बात करेंगे, क्योंकि अगर सम का रिलेशन हो गया स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में अगर ऑल पूछा गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में हमको ऑल दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर सम रिलेशन बोलता है तो वो ट्रू हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ऑल दिया है ना, स्टेटमेंट पे डिपेंड है। देखो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सुनने की कोशिश करो, तुम्हारी पूरी फैमिली, ऑल योर फैमिली टॉकिंग टू विद देयर फैमिली, हिज फैमिली, हर फैमिली जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले कि कुछ लोग बात करते हैं, जब पूरी फैमिली बात कर रही है, स्टेटमेंट में दिया है, कंक्लूजन में बोल रहे कि कुछ लोग बात करते हो, होगा ना, जब पूरी फैमिली बात कर रही है तो कुछ लोग तो डेफिनेटली फॉलो बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ओनली यू टॉक विथ हर, तो अगर ये स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, ओनली यू, लेकिन अगर कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल योर फैमिली, तो क्या हो जाएगा,
स्टेटमेंट में खाली बोल रहा है कि तुम बात करते हो, लेकिन कंक्लूजन में बोल रहा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली बात करती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट इन द सेंस कि दिलेला आप लेला कि ये सच सच है। सन कब आता है? रात को आता है, सुबह आता है? सुबह आता है, तो ये बात सच है, तो इसको ये सच बात मान के कि ये एज अ ट्रू है, उसके बेसिस पे हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर ऑल दिया, यहाँ पे सम है, तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सम है, देखो सम क्या होता है बेटा, ऑल मतलब ये पूरा आ गया ना, ऑल मतलब बड़ा हो गया, लेकिन अगर सम की बात बोले जाए तो इतना आएगा, मतलब अगर सम बोला जाए इतना आएगा, इसका कुछ ही पार्ट आएगा ना, पूरा नहीं आएगा ना, तो ऑल बड़ा होता है, सम छोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आया? देखो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, ये लिख लो ऐसे, स्टेटमेंट में सम पूछा है, कंक्लूजन में ऑल बोला तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट में हमको ऑल बोला है और कंक्लूजन में सम बोल रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पूरी बात करी इसका मतलब सम बात करेंगे, अगर थोड़ा बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि पूरी बात करें। समझ में आया? तो ये हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे ऑल रोड्स आर नॉट बुक, अभी देखो अगर आपको नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है फिर देखो क्या करना है, अगर नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट अगर बनाना आ गया, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आ गया, तो उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। ऑल रोड्स आर नॉट बुक, सपोज ये मेरा स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपका डायग्राम कैसे बनना चाहिए? ऑल रोड्स, ऑल के बाद जो आएगा उसको अंदर ढकेलेंगे छोटा सर्कल में, जो नोटबुक आएगा वो क्या आ जाएगा बड़ा सर्कल में, ऐसा आ जाएगा ना बेटा, ऑल रोड्स नोटबुक। तो हमको अभी चेक करना है कि ये तो हमने खाली कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम बनाया, तो हमको ये चेक करना है कि जो हमारा बेसिक है, जो ये है स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाए, असं येतं का ह्याच्यामध्ये? ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? आर मध्ये दिलेलं आहे आणि त्याच्या मोठ्या सर्कलमध्ये एन दिलेलं आहे, तो इसके अंदर दिया है क्या? ऐसा नहीं दिया। देखो आर बड़े सर्कल में दिया है और एन जो है उसका सम पार्ट आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा गलत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये रास्ता अपनाना, ठीक है? लेकिन वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो इसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे कि ये आ रहा है कि नहीं, फिर इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल वे में चलते हैं हम लोग। लेकिन तुमको एक से ज़्यादा रास्ता पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? अब देखो सम बुक्स आर टॉप्स, बुक्स यहाँ पर हैं, टॉप्स यहाँ पर हैं, तो सम का रिलेशन आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि पूरा है इसका मतलब सम भी होगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे बोला बुक का पार्ट है, सम बुक्स आर टॉप्स, तो ये पूरी बुक हो गई, इसका बुक का ये पार्ट क्या है? टॉप है, इसका मतलब कि ये हमारा राइट है, और ये था, ये रॉन्ग था ना, हाँ ये रॉन्ग है। सम टॉप्स आर कैश, सम टॉप का कुछ कैश यहाँ पे है क्या? नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था कि खाली स्टेटमेंट में रिलेशन कैश का नोटबुक के साथ में दिया है, केवल इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन किया है स्टेटमेंट में। हाँ मतलब फक्त ये दो एक दूसरे से बात करते हैं, कैश को तुमसे जो दूसरा मित्र है उसको दूसरे से किसी से लेना देना नहीं, कैश खाली नोटबुक से परिचित है उसकी त्याचा ओळखीचा आहे फक्त, कैश का इसी के साथ में रिलेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा ना, पॉसिबिलिटी, तो वो राइट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया, लेकिन अगर जब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन नहीं है ना, तो हो सकता है वो बात करते हैं। अगर दो चीज़ के बीच में अगर रिलेशन नहीं है तो उसका पॉजिटिव भी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा और निगेटिव पॉसिबिलिटी भी राइट हो जाएगा, कारण ते ओळखत नाही ना, तो होऊ शकते की बोलते, होऊ शकते की नाही बोलते, आपल्याला माहिती नाही आहे, तो उस हिसाब से दोनों में राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो सम टॉप्स आर कैश तो कुछ नहीं रिलेशन, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। समझ में आया? स्काई हो गया, फिर सम स्काई आर बॉल्स, तो स्काई के पास मिलेंगे सम स्काई आर बॉल्स। उसके बाद में सम लेन्स आर पोटेटोज, लेन कहाँ पर है? नहीं इसके अंदर, तो यहाँ ये पोटेटो है ना, ये पोटेटो है ना, तो पोटेटो के साथ में लेन ले लेंगे अभी, ठीक है? फिर क्या बोला है? नो बॉल इज अ बॉटल, बॉल कहाँ पर है? ये वाला है हमारा नो बॉल। अब दोनों सेम लेटर्स हैं तो हम कुछ लिख लेंगे ज़्यादा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर सम बॉटल्स आर लेन्स, बॉटल का लेन के साथ में है कुछ? दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाता तो वेरी गुड। सम बॉल्स आर नॉट पोटेटोज, सम बॉल्स, बॉल ये वाला है, सम बॉल्स आर नॉट पोटेटो, जब नॉट बोला इसका मतलब कुछ निगेटिव होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई निगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं हमको, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वेरी गुड। फिर देखो सम बॉल्स बिंग लेन्स, देखो बॉल यहाँ पर है, लेन यहाँ पर है, अननोन थिंग है, अननोन पर्सन है, और उनके बीच में पॉसिबिलिटी है, तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, कितने होशियार बच्चे हैं। चलो क्लियर, तीन ही था क्या उसमें? अच्छा, सम कॉल्स आर डर्टी, अब लास्ट का ही जो है ना, आप ड्रॉ करना डायग्राम, फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है? हाँ, सम कॉल्स डर्टी, मतलब अपन कड़ल की कितना समझ में आ रहा है आपको, सम कॉल्स आर डर्टी, सम का रिलेशन बन गया, ऑल डर्टी आर नोस, डर्टी यहाँ पे है, ऑल के बाद ये इसको अंदर घुसाएंगे, यानी कि छोटे सर्कल में, तो ऑल डर्टी आर नोज। उसके बाद ऑल रोजेज आर बसेस, ये तो अलग पार्ट हो गया, रोजेज और बसेस का इसके अंदर कुछ सीन ही नहीं है, नीचे देखते हैं फिर,
कभी कभी बीच में घुसा देते हैं उन लोग कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब नीचे का स्टेटमेंट रहेगा तो कुछ ना कुछ लिंक होगा। नीचे देखो सम बसेस आर कॉल्स, यानी कि कॉल्स के साथ में बसेस आ गया ना। अब ये कॉल्स के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बसेस लिख देंगे। फिर ये वाला ऑल रोजेज आर बसेस, ऑल रोजेस है यानी कि रोजेस वाला अंदर जाएगा, रोजेस वाला अंदर जाएगा, लेकिन रोज वाला यहाँ पे मत लिखना, केवल बॉल, हाँ केवल बसेस और नहीं, रोज और बसेस के बीच में बोला गया। तो ऑल रोजेज आर बसेस यहाँ पे, तो इसके साथ में मत लेना, हाँ यहाँ पे ही लेना, ऑल रोजेज आर बसेस यहीं पे आएगा, यहाँ पे गलती से मत लेना, दूसरे के साथ में ये हमको इंक्लूड करना है। तो ऑल रोजेज आर बसेस ये हो गया। चलो सब बना लिया। सम नोज नॉट बींग बसेस, सम नोज नोज नॉट बींग बसेस यहाँ पे, इज ए पॉसिबिलिटी डियर? देखो बस यहाँ पे है, नोज यहाँ पे है, अननोन पर्सन है, कोई रिलेशन नहीं है ना, पॉजिटिव ना निगेटिव, निगेटिव रिलेशन ऐसा कुछ तो यहाँ पे कुछ दिया है कि आपको ना पॉजिटिव दिख रहा है ना निगेटिव है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी में पूछा है तो क्या होगा, सही है यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन नहीं है उनके बीच में, ठीक है। फिर सम नोज आर कॉल्स, नोज यहाँ पर है, कॉल्स यहाँ पे है, देखो ये वाला पार्ट आएगा ना जो कॉल्स में भी आ रहा है, ये भी, ये क्या है डॉल से, क्या क्या है डर्टी में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा राइट हो जाएगा। देन सम डर्टी आर नॉट बसेस, निगेटिव स्टेटमेंट कुछ दिया है क्या यहाँ पे, निगेटिव स्टेटमेंट किसी के, सब जब यहाँ पे पॉजिटिव है सब तो निगेटिव क्यों बोल रहे हो आप, उन दोनों, वो दोनों अच्छे खुशी से रह रहे हैं बेचारे मियाँ बीबी, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं करके, उनके बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है और हम लोग निगेटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब कि गलत हो जाएगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है ये। सम डर्टी नॉट बसेस अगर पॉसिबिलिटी हो जाता तो राइट हो जाता, तो ये क्या जाएगा गलत है। नेक्स्ट नहीं करना मत क्योंकि टाइम लग जाएगा, फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये बता देती हूँ मैं, सम सन्स आर फ्लो, सम सन्स आर फ्लो, ऑल फ्लो आर टॉयज, फ्लो ऑल है टॉय ऐसा हो जाएगा। फिर ओनली टॉयज इज लीव, देखो ये नया सिंग आपको स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा, ओनली मतलब